दूरदर्शन, आकाशवाणी आणि भारतीय विमान प्राधिकरण पुणे विमानतळ यांच्या संयुक्त विद्यमानं 26 जानेवारी प्रजासत्ताक दिनानिमित्त नुकतंच एका सांस्कृतिक कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. ये ताकद है कि हमें हमारा स्वातंत्र्य मिला, भारतीय स्वातंत्र्याची ज्योति जगाई गई. हर कार्यक्रम की शुरुआत भी हम दीप जलाकर करते हैं, क्यों ना इन्हीं शब्दों को कुछ मीठी बांसुरी में ढाल कर हम आज कार्यक्रम की शुरुआत करें. या सांस्कृतिक कार्यक्रमाच्या निमित्तानं सीमेवर जखमी सैनिकांचा सन्मान या कार्यक्रमात आयोजकांतर्फे यावेळी करण्यात आला. आकाशवाणी की तरफ से एक छोटा सा स्मरण चिन्ह. या प्रसंगी जखमी सैनिकांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या. मैं एज ए टेक्निशियन फौज में इंडियन आर्मी 2002 में इनरोल हुआ हूँ. ट्रेनिंग करके मैं कश्मीर में गया था. 2005 में जो उरी सेक्टर पाकिस्तान मुजफ्फरबाद में जो भूकंप हुआ था उसमें मैं बंकर में गया, दब गया था. एक्चुअली मेरा काम है इंटरसेप्शन मॉनिटरिंग करना, जो टेररिस्ट का मैसेज पकड़ना और एनालिसिस करना. तो उसी दौरान भूकंप हुआ था, तो भूकंप में मैं बंकर में दब गया था. मेरे साथ 6 वन अफसर 1 JC और 4 जवान शहीद हो गए थे. उस दौरान मैं भी दब गया था, लेकिन आप लोग सभी लोगों की दुआ से और माँ बाप की दुआ से बच गया. और मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं दबने के बाद कंडम हुआ था बिल्कुल बुरी तरह. फिर मैं यहाँ पे पुणे में ये क्यून मैरी टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, जो डिसेबल सोल्जर को अपने पैरों पे खड़ा कर देती है. उस संस्था का बड़ा योगदान है कि अब जो डिसेबल सोल्जर, जो जितने भी वार कैजुअल्टी में बंदे कंडम होते हैं, उनको यहाँ पे अपने पैरों पे खड़ा किया जाता है. 4 वर्ष राहुल मैं राजौरी सेक्टर जम्मू काश्मीर मध्ये गेलो. तेथे मी QRT मध्ये असताना QRT ची गाडी पहाडीवरून स्लिप झाली आणि दरीत कोसळली. त्यातील त्यातून 2 माझे साथी शहीद झाले आणि मला हाताला व डोक्याला गंभीर चोट लागल्यामुळे मला हॉस्पिटलमध्ये सतवारी हॉस्पिटलमध्ये नेण्यात आले. तिथे माझा हात काढण्यात आला. आपने जैसा कहा, आपके सुर में सुर मिला के मैं फिर आह्वान करता हूँ यहाँ खड़े मेरे दोस्तों से कि अपने परिवार से कम एक बच्चे को ज़रूर अपनी देश सेवा के लिए सीधे आर्मी, फौज या CISF या ऐसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूर भेजें. देश की रक्षा एक ऐसी जीविका है जिसका हमारे ऊपर भी एक ऋण है. तो जिस भी माध्यम से
इसको हम चुका पाएँ, इसको हमेशा ध्यान रखें। ये जो है एक हम अगर कहें तो हम एयरपोर्ट की भाषा में ही बोलते हैं कि जब कुछ लोग जागते हैं तब हम लोग आराम से सो पाते हैं, आराम से सफ़र कर पाते हैं। तो इस चीज़ को जीवन में हमेशा ध्यान रखें कि हम बहुत सारे लोगों के ऋणी हैं और सबसे ऊपर देश की सुरक्षा, जिससे हम आराम से चैन की नींद सो पाते हैं और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। विमान प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांनी यावेळी आकाशवाणी आणि दूरदर्शनच्या अधिकाऱ्यांचा सन्मान केला। देशभक्तीपर विविध गाण्यांचे सादरीकरण यावेळी करण्यात आले। मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं
से दुनिया वालों बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी। हमने कहा है तुम भी कहो, हमने चाह देख लिया है, नहीं कहीं तेरे जैसा कोई नहीं है, यसी नहीं सौ दिन दुनिया घुमा हूँ, नहीं कहीं तेरे जैसा कोई नहीं। मैं गया जहाँ भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी मुझको तड़पाती रुलाती, सबसे प्यारी coming to the airport to get on a flight. Instead, a party broke out, and it's wonderful. And what I would say is I think India is great in many things. Natural resources, wonderful landscapes, intelligent, brilliant engineers, architects, doctors, and people. But most of all, I've learned that India is great in love. कार्यक्रमास उपस्थित दर्शक, प्रवासी आणि परदेशी नागरिक यांनी नृत्य करीत कार्यक्रमाची रंगत अजूनच वाढवली. जाए